नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। शुरुआत बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है। नागपुर में 24 घंटे में कोरोना के 5,661 नए मामले सामने आए हैं। नागपुर में 24 घंटे में 69 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। नागपुर में कोरोना से 5,838 लोगों की मौत हो गई है। नागपुर में कोरोना के 57,819 एक्टिव केस। लगातार कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं और खासकर नागपुर में हालत बेहद चिंतनीय है। ये 24 घंटे में 69 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और कोरोना के 5,661 नए मामले 24 घंटे में सामने आ चुके हैं। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कोरोना से जुड़ी, कि किस तरह से कोरोना की रफ्तार देश भर में बेलगाम होती जा रही है। नागपुर में कोरोना के 57,819 एक्टिव केस फिलहाल हैं और नागपुर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 5,661 नए मामले सामने आए हैं। नागपुर में 24 घंटे में 69 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। और बड़ी खबर आपको बता दें मुंबई से, जहां मुंबई में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 6,905 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से 43 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना से अब तक 12,060 की मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना के 90,267 एक्टिव मामले सामने आए हैं। मुंबई में कोरोना के जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी ये संकेत दे दिए हैं कि अब पूर्ण लॉकडाउन के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें गुजरात से, ये बड़ी खबर, आज से साबरमती आश्रम पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लिया गया यह अहम फैसला। गुजरात की स्थिति भी बेकाबू होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है। पर्यटकों के सुरक्षा के मद्देनजर की आज से साबरमती आश्रम बंद कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते एक के बाद एक सख्त फैसले राज्य सरकारों की तरफ से लिए जा रहे हैं और अब साबरमती आश्रम पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। और देश में जो नया कोरोना है ये लगातार डरा रहा है। जितनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं उसी को देखते हुए इस तरह के अहम फैसले लिए जा रहे हैं, एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। और गुजरात से ये खबर आपको बता दें कि आज से साबरमती आश्रम पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है ताकि पर्यटक यहां पर ना पहुंच सके और कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के लिए भी लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आहट है और इसी आहट से अब पलायन भी शुरू हो चुका है। मुंबई में रेलवे स्टेशन पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगने लगी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से, देखिए महाराष्ट्र में अब लॉकडाउन की बात हो रही है कि कोई और विकल्प सामने नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जितनी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं तो राज्य सरकार के पास इसके अलावा कोई विकल्प फिलहाल नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आहट की वजह से अब पलायन शुरू हो रहा है। मुंबई में रेलवे स्टेशनों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। तो भारी संख्या में प्रवासी मजदूर जो है अपने घर की तरफ लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें जरा देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर स्टेशन्स पर अब लोगों का जमावड़ा जुटने लगा है, क्योंकि इन्हें डर है कि कभी भी लॉकडाउन लग सकता है और ऐसे में वो कहीं अपने परिवार से दूर ना हो जाए, फंस ना जाए, और इसी डर की वजह से अब पलायन भी तेजी से शुरू हो चुका है। मेरे सहयोगी हितेन जुड़ गए हैं दिल्ली से, हितेन का रुख कर लेते हैं। हितेन, लगातार ये जो नया कोरोना है डरा रहा है, रफ्तार बेलगाम होती जा रही है। बिल्कुल मल्लिका, देखिए कोरोना का जो नया स्ट्रेन है वो लगातार डरा रहा है। 12 दिनों में 12 लाख से अधिक केस जो है देश भर में देखने मिल चुके हैं और मुंबई में, महाराष्ट्र में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे संकेत दे चुके हैं कि पूर्ण लॉकडाउन जो है महाराष्ट्र में 8 दिनों के लिए लगेगा जरूर, उसके बाद मुंबई में पलायन शुरू हो चुका है। मुंबई से लगभग यूपी बिहार की तरफ सारी गाड़ियां बसें जो इसी तरह भर भर कर जाती नजर आती है। दिल्ली में फिलहाल जो है लोग अपने मजबूरी से, अपने काम से, निजी काम से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। ये कौसाम्बी डिपो की तस्वीरें हैं, देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें सभी सरकार के इंतजामों का पोल खुलती नजर आ रही है। देखिए कैमरा पर्सन से कहेंगे कि बस के अंदर चढ़कर अगर दिखा दे तो, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, सरकार कह रही है, प्रशासन कह रही है कि जमीनी स्तर पर सभी काम किए गए, लोगों को सारी एहतियातन बरतने के लिए कहा गया, लेकिन ये तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं बस के अंदर की, के लोग किस तरीके से सभी नियमों का पालन कर रहे हैं वो आपको साफ साफ दिख रहा है। कहीं किसी भी नियमों का पालन नहीं हो रहा है। लोगों से बात करो तो लोग कहते हैं कि मजबूरी है, अपने काम पर जाना है, जरूरी है, तो इसीलिए
बाहर निकलना पड़ता है। क्या कहेंगे, डर नहीं लग रहा है? कोरोना लगातार बढ़ रहा है, क्या डर लग रहा है? गांव में तो जाना है ना, जाना है तो कहाँ भी, मतलब कोरोना के डर से जा रहे हो दिल्ली? नहीं तो कल रिटर्न होना है ना। क्या बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मुंबई से पलायन शुरू हुआ है तो यहाँ पलायन शुरू हुआ है कि नहीं ये भी पूछ लेते कि क्या कोरोना के डर से जा रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, डर नहीं लग रहा है कि कोरोना इतना बढ़ रहा है? कोरोना लग क्या जाता है, मास्क लगाओ, सैनिटाइज करता हूँ, दूरी बना के रखता हूँ अपनी, किसी से बात नहीं करता हूँ। अभी तो बस में आप देख रहे कि कहीं पे दो गज की दूरी दिख रही है, दो गज की दूरी। अब दिल्ली का नियम देखो, एक सीट पे एक सवारी है, और यूपी में भी ऐसी करनी है, अब तीन सीट की है, इसमें दो करने चाहिए, करने चाहिए, करने गए थोड़ा डिस्टेंस रखनी चाहिए, लेकिन कहीं हो नहीं रहा है। नहीं हो नहीं रहा है, फेल है, यूपी गवर्नमेंट फेल है, नहीं कर सकता ऐसा जैसे दिल्ली में हो रहा है। तो आप यानी कि हितेन, देखिए लोग तो जागरूक है, एक्सपायर हो गई। बिल्कुल हितेन, देखिए लोग तो जागरूक है लेकिन प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां होनी चाहिए थी मौजूदा स्थिति को देखते हुए, वो तैयारियां पुख्ता नहीं है। बिल्कुल देखिए, वो तैयारियां कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर प्रशासन के सभी दावों का पोल खोलती नजर आती है। ये एक बस का नजारा है, ऐसे यहाँ रोजाना सैकड़ों बस निकलती है। देखिए एक तो जा रही है, अब ये बदायूं वाली भरना शुरू हो चुकी है, कहीं ना कहीं लोग हितेन आपके पास लौटेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता दें, बंगाल से ये बड़ी खबर, 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 4,511 केसेस सामने आए। बंगाल में 24 घंटे में कोरोना से 14 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। बंगाल में कोरोना से अब तक 10,414 लोगों की मौत हो चुकी है। बंगाल में कोरोना के 26,531 एक्टिव केस है। कोलकाता में 24 घंटे में 1,115 नए मामले सामने हैं। कोलकाता से इस वक्त श्वेता मेरी सहयोगी मौजूद है। श्वेता देखिए, बंगाल में जहां इलेक्शन हो रहा है, ताबड़तोड़ रैलियां जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ देख लीजिए क्या कुछ हाल है, 24 घंटे में 14 लोगों की मौत। बिल्कुल, ये आंकड़े जो है ये कम है। बताना ये चाहूंगी कि फिलहाल स्थिति जो है, कोलकाता की बात कर ले या पश्चिम बंगाल की बात कर ले, यहाँ ज़्यादा भयावह है। देखिए यहाँ चुनाव है और लगातार रैलियों का दौर, जनसभाओं का दौर चल रहा है, और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाना पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और लोग जिस तरीके से जनसभाओं में और रैलियों में उमड़ रहे हैं, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन नहीं हो रहा है। लेकिन कल एक अच्छी बात देखने को मिली थी, जब मैं 12-7 में थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी थी, वहां पर मास्क बांटे गए, सैनिटाइज किया जा रहा था लोगों को, टेम्परेचर चेक हो रहा था, टेम्परेचर चेक करने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा था। अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा आ रहा था तो लोग लौटाए भी गए, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जो अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि यहां अभी चुनाव चल रहा है, तो कई बार आप देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, लोग मास्क नहीं लगाते, और आंकड़े जो हैं ये अभी बहुत कम है, ये बहुत कम है, क्योंकि केसेस जो हैं वो हॉस्पिटल तक पहुंच रहे हैं, और मैंने खुद हॉस्पिटल में लंबी लंबी कतारें देखी हैं, मैं हॉस्पिटल में मौजूद थी वहाँ। श्वेता आप नजर बनाए रखें, फिलहाल दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए शुक्रिया आपका, आपका भी शुक्रिया, आप लोग बने रहिए, लौटते रहेंगे आपके पास अपडेट्स के लिए। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन जी हिंदुस्तान पर कोरोना से जुड़ी हर एक तस्वीर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।